हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू हिंदी द इजी वे। हिंदी द इजी वे में एक नई वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम सभी बालक के विकास में माता पिता की भूमिका, इस विषय पर आज हम लोग निबंध जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि यदि आप नए व्यूअर्स हैं तो कृपया आप मेरे चैनल हिंदी द इजी वे को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी चीज़ों को बहुत ही सरल तरीके से बताया जाता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बालक के विकास में माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह बच्चे के प्रथम गुरु होते हैं और बच्चे के सबसे पहले दोस्त। जी हाँ फ्रेंड्स, जो बालक जो छोटे बच्चे होते हैं उसके जीवन में माता पिता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना माता पिता के योगदान के, बिना परवरिश के कोई भी बच्चा नेक नहीं बन सकता, इंसान नहीं बन सकता। जिस प्रकार हम लोग पौधे को देखते हैं, बिना माली के देखरेख में पौधा अपने रास्ते से भटक जाता है, उसकी इतना टेढ़े मेढ़े हो जाती है, उसी प्रकार बच्चा का जीवन होता है। बिना माता पिता की देखरेख का बच्चा का जीवन नहीं संवर सकता, वह उसे पौधे की भांति हो जाता है और अपने राह से भटक जाता है। तो फ्रेंड्स, माता पिता की जो भूमिका होती है बच्चे के जीवन में, बालक के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। माता पिता का जो योगदान होता है अपने बच्चों पर बहुत ही ज़्यादा होता है। बच्चे की विचारधारा को विकसित करने में माता पिता की अहम भूमिका होती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि माता पिता बच्चों की ज़िंदगी में सांचे की तरह काम करते हैं। सांचा वह होता है जिसे किसी भी चीज़ को सही आकार दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, कहने का तात्पर्य यह है कि सांचे में किसी भी चीज़ को डालने से वह सांचे की आकार ले लेता है। ठीक उसी प्रकार बच्चे के जीवन में माता पिता की जो भूमिका होती है उसे सांचे की भांति होती है। बच्चे के देखरेख परवरिश से जिस तरीके से माता पिता करते हैं उसका बच्चा वैसा ही बनता है। माता पिता बचपन से लेकर बड़े होने तक अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। बचपन में उसे बोलना चलना सिखाते हैं, फिर उसे एक अच्छे स्कूल में उसका दाखिला करवाते हैं। माता पिता अपने बच्चों को जैसा संस्कार देते हैं उसका बच्चा भी वैसा ही सीखता है। तो फ्रेंड्स, माता पिता जिस तरीके से अपने बच्चे को संस्कार देते हैं उसका बच्चा वैसा ही सीखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि बच्चे के माता पिता यदि शराब का सेवन करते हैं, गुटखा तंबाकू खाते हैं, तो उसका बच्चा भी वही करता है, वही सीखता है। तो फ्रेंड्स, बच्चे को संवारने में, उसके जीवन को बनाने में माता पिता की जो भूमिका होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो फ्रेंड्स, कहने का तात्पर्य यह है कि यदि माता पिता डिसिप्लिन में रहेंगे तो उसका बच्चा भी डिसिप्लिन सीखेगा, अनुशासन सीखेगा। माता पिता की भूमिका के महत्व की तुलना दुनिया के किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती, परंतु अगर फिर भी मुझे बच्चों के विकास में माता पिता के महत्व को बताना पड़े तो मैं उस कुम्हार का उदाहरण दूंगा जो गोलाकार चाक पे अपनी माटी की कृतियों को आकार देता है, फिर उसे धूप में सुखाता है और आग में पकाता है, तब जाकर एक बेहतरीन मिट्टी की आकृतियाँ बनकर तैयार होती है। बच्चों के विकास में यदि माता पिता की भूमिका के बारे में पूछा जाए तो सबसे अच्छा उदाहरण कुम्हार ही आता है। क्यों? जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग कुम्हार को देखते होंगे कि वह मिट्टी के बर्तन को बनाता है और मिट्टी के बर्तन को बनाते वक्त वह किस तरीके से कठिनाइयों का सामना करता है। ठीक उसी प्रकार माता पिता भी अपने बच्चे के अच्छे भविष्य को बनाने के लिए कुम्हार की भांति कष्ट उठाते हैं, पीड़ा झेलते हैं, तब जाकर उसका बच्चा एक अच्छा संस्कारी बच्चा बनता है और आदर्श बच्चा बनता है और दुनिया में अपने माता पिता का नाम रोशन करता है। माता पिता भी अपनी भूमिका कुम्हार की भांति निभाते हैं और अपने जीवन को चाके की तरह लगा देते हैं और हम जो कि निराकार होते हैं उसे एक आकार देते हैं, तब जाकर हम एक अच्छे इंसान बन पाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, उसी मिट्टी की भांति मनुष्य भी निराकार होता है। जब वह जन्म लेता है तो बिल्कुल वह शून्य होता है, वह कुछ भी नहीं जानता है। माता पिता ही होते हैं जो उसे अच्छे संस्कार देते हैं, बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, उसके परवरिश करते हैं, उसे अच्छी शिक्षा देते हैं। तो फ्रेंड्स, कहने का तात्पर्य यह है कि बिन कुम्हार मिट्टी के सुंदर आकृतियाँ नहीं बन सकती, वैसे ही बिना माता पिता बच्चे के सुंदर आकार लेना असंभव है। तो फ्रेंड्स, कहने का तात्पर्य है कि बिना माता पिता के बच्चे का जो आकार है वह उस मिट्टी की भांति निराकार है। यदि उसमें निराकार मिट्टी में यदि कुम्हार का योगदान नहीं होगा तो कोई भी घड़ा या कोई भी मिट्टी का चीज़ बर्तन नहीं बन सकता। ठीक उसी प्रकार बच्चे के विकास में माता पिता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यदि माता पिता का योगदान नहीं रहेगा तो उस निराकार मिट्टी की तरह वह बच्चा रह जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल हिंदी द इजी वे को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी चीज़ों को बहुत ही सरल तरीके से बताया जाता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिंदी द इजी वे। आपका दिन शुभ हो।